हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ होंगे बहुत ही अच्छे। तो मैं आ गई हूँ चोटी करने और मेरे काम हो गए हैं, मेरी क्लीनिंग, पोछा, झाड़ू और चाय पीना, मेरा नहाना, कपड़े धोना, ये सब मैंने कर लिया है। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल भी है पर मैं वहाँ खड़े होकर मैं नहीं करती, मैं बैठ के ही चोटी करती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ चोटी और बच्चे अभी सो रहे हैं उधर, इसलिए भी। और उसके बाद चोटी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज दिया के पापा लेके आए थे मटर पनीर, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो ये देखिए, ये मटर मैंने धोने धो के उसको पानी में डाल दिया है। और ये मतलब ताजी मटर नहीं है, सफल मटर कहते हैं, आप यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। और इधर मैंने पनीर रखा है, उसको लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ी सी चाट मसाला, गरम मसाला उस डाल के और थोड़ा सा नींबू डाल के उसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। तो मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके बाद मैं आ गई थी मसाला पीसने। तो मैंने काजू, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी लौंग, मतलब दो चार लौंग, दो चार काली मिर्च, ये सब डाल के यहाँ मसाला पीस लिया है। पिसल बट्टी मसाला पीसने के बाद मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया था। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तो मैं और मैंने सरसों का तेल डाला है, तो मैं इसमें जीरा डाल दिया है। अब थोड़ी सी हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद मैं इसमें अब दो दालचीनी के टुकड़े डाल दूँगी और दो तेज़पत्ता डाल दूँगी और इनको भुनने दूँगी। ये सब भुनने के बाद जो मसाला मैंने सिलबट्टे पर पीसा था मैं उसको ऐड कर दूँ और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। काजू पेस्ट, टमाटर पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया, तो इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी। चार मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक। और मैं ऊपर से अब मसाले, मतलब गरम मसाला या और मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो बस अब मैं इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और सब्ज़ी बनाते समय लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। मैं मिक्स कर रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। मलाई को अच्छे से मिक्स करने के बाद और मसाला अच्छी तरह से भुन गया, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो पनीर भी मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें कर दूँगी मटर जो मैंने आपको दिखाई थी, सफल मटर है। तो मैं इसको भी थोड़ी देर, दो मिनट के लिए डाल कर भून लूँगी। तो मटर भी मैंने भून लिए, तो मैंने अपने पानी ऐड कर दिया अपने अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो बस हमें तो बस मैं अब इसको ढक दूँगी और इसको पकने दूँगी। हमारा मटर पनीर तैयार हो जाएगा। तो हमारा खाना बन चुका है और अब मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो हम खा रहे हैं खाना, तो आप भी खा लीजिए और देखकर बताइए, मतलब खा नहीं सकते पर देख के बताइए कैसी बनी है सब्ज़ी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल गर्ल गायत्री ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप होंगे बहुत अच्छे। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो आपने देखा कि मैंने आज बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। और सब्ज़ी आपको बताऊँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो आप किस तरह से बनाकर खा सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने सब्ज़ी बना ली, खाना भी खा लिया है, तो और मैं अब रेडी भी हो गई हूँ। तो हमें जाना है कहीं, तो अभी हम जाएंगे। तो उससे पहले मैं भी आपसे बात कर लूँ, क्योंकि सुबह से आपने देखा ही था मैं, मतलब सब्ज़ी कुछ स्पेशल बनाओ तो आपको ही बताया है कि उस सब्ज़ी में टाइम तो लगता है, तो मुझे भी टाइम लगा। और मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, मैं चोटी वोटी कर ली है, तो आज मतलब अभी मैं पूरा फाइनल आपके सामने आ गई हूँ, थोड़ी सी रेडी होके, क्योंकि हमें जाना है बाहर। तो आपको भी लेके चलूँगी कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें लाना है आज कुछ, क्योंकि ये
मतलब सोच तो बहुत दिन से रहे थे कि जाना है लेके आना है, तो वायरस और फिर लॉकडाउन की वजह से दुकानें भी नहीं खुल रही थी और जाना भी नहीं हो रहा था, तो अब फाइनली खुल गई हैं। तो ये दिया है, ये भी रेडी हो गई है, मैंने इसको मिला दिया है, रेडी कर दिया है, और हन्नू भी नहा लिया है और हन्नू अभी सो रहा है, और इसके पापा भी आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा हमने खाना खा लिया है सब ने, बर्तन भी धुल चुके हैं, तो बस जाना बाकी है। मैं यहाँ जाऊँगी, आपको भी लेकर चलूँगी, तो चलिए। तो हम बाहर निकल चुके हैं, तो ये वाला घर नहीं, वो उधर वाला गेट है ना, वो हमारा घर है। तो मैं मतलब हम मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो ये गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको दिखाऊंगी मैं नहर, जो नहर मतलब जोड़ती है इधर नहर के उधर जा रहे हैं ना आगे, तो वो शोपुर है, और इधर पीछे बैक होंगे ना तो इधर सलापुरा है। तो हम रहते हैं सलापुरा, ये पुल है जो सलापुरा और शोपुर को जोड़ता है बीच में, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना, तो हम थोड़ा सा मतलब ये पुली बीच में है, इस वजह से गांव और शहर बन जाता है, और यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो हम एक्वेरियम की दुकान से बाहर आ गए हैं, हमें लेनी थी अपने एक्वेरियम के लिए मछली, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहे थे, पर आपको पता है मैंने घर पर बता ही दिया है वो मतलब लॉकडाउन और उसकी वजह से, तो अब हमने ले ली है मछली, तो अब हम जा रहे हैं घर पे। से आने के बाद हमको आम दिखे, तो आपको पता ही है कि आमों का सीज़न चल रहा है, तो आम खाए बिना कैसे रह सकते हैं। तो दिया के पापा मतलब मैंने कहा और वो भी कह रहे थे, तो वो लेने लग गए आम। और आपको ये वाइट कलर का घर दिख रहा है, तो ये हमारा ही है। तो हम आ गए हैं अब घर पर, तो हम अब एक्वेरियम मछली डाल रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ। हम दुकान से लेके आए थे, तो हमने इसमें डाल दिए हैं, और ये कैसी लग रही है मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखिए मैं आपको अपने बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, और इसमें सब तरह की मछलियाँ हैं, गोल्डन फिश और भी हैं जिनका मुझे नाम नहीं पता, तो आपको पास से दिखा रही हूँ। ये अभी हम लेके आए, थोड़ी ये वाइट सी दिख रही हैं और ब्लैक। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्वेरियम, आप ज़रूर बताना। ने मतलब मुझे कमेंट किया था कि आपने ये पेपर क्यों लगाया, इसके स्टिकर लेके लगा लेते थे, मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा नया मकान बन गया है, तो हम बहुत जल्द वहाँ से होने वाले हैं, तो इसलिए मतलब अभी मैंने यहाँ क्या खर्चा करे, उधर जाना है तो, और वैसे भी स्टिकर लगा लेते, स्टिकर कितने दिन चलेगा, मतलब मतलब किचन में उसके दब सब्जी के तेल के छींटे पड़ते ही रहते हैं। मैंने कल परसों ही पेपर लगाया, उस पर ही इतने छींटे हो गए, तो पेपर का तो ये है कि एक दिन अगर हो भी जाए 8-15 दिन में, तो निकाल के दूसरा चिपका लो, पर स्टिकर स्टिकर का तो नहीं होगा ना, मतलब आता है सस्ता, पर इतना सस्ता भी नहीं आता, तो इसलिए मैंने पेपर लगाया। और मैं इसलिए वो कहने के लिए नहीं कह रही, मैं मतलब वैसे ही उनको उनको लगा कि हमने स्टिकर क्यों नहीं लगाया, मैं उनकी सलाह मानती हूँ, पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम मतलब जाना है, पूरा काम हो गया फाइनल, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है, और फिर गृह प्रवेश बाकी का आना, तो ये लॉकडाउन लग गया तो वो संभव नहीं हुआ, तो इसलिए हम अभी आए, तो इसलिए मैं इसीलिए तो आपको ये घर दिखता है ना ऐसा,
तो ये पर्दे अर्दे नहीं ले रहे, क्योंकि मतलब अब इनके उधर ही जाएंगे तो ये कि घर पर खर्च करे, मैंने इधर खर्च करने से क्या है, उसी को सजाएंगे, तो इसलिए। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपना मतलब क्लीनिंग का वीडियो बनाएं, तो अभी मुझे टाइम नहीं है, पर जब टाइम मिलेगा तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो अपना प्यार और अपने कम इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स और सुझाव मुझे देते रहें, जिससे कि मैं अपने वीडियो में लाती रहूं। तो आप, और हाँ, और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके यहाँ मतलब लाइट ये मतलब लाइट जाती है तो आप ऐसे यहाँ क्यों रहती हो, क्या आप रेड लाइट एरिया में रहती हो, क्या आप गलत काम करती हो? तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब लाइट ना जाती है, और जिसका घर मतलब कोई खुला घर बनाता है, कोई बंद घर बनाता है, मतलब ऊपर, तो उसमें मतलब बंद घर होने से और लाइट जाने से रेड लाइट एरिया का क्या संबंध है? तो मैं मतलब ये नहीं कह रही, और उनका नाम भी पता है, पर मैं नाम लेना नहीं चाहती। तो मैं आप भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ऐसे मतलब के लाइट जाती है और आप अंदर रहती हो, तो इसका मतलब ये है कि मैं मतलब लाइट मतलब ऐसा क्यों लगा आपको, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर आप मेरा ये सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना, और कुछ भी मुझे मतलब ध्यान आएगा, पता चलेगा, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए, अरे दिया देखो क्या कर रही है। तो फिर चलिए, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में इसी यात्रा के साथ। हेलो एवरीवन, तो आपने देखा कि मैं कहाँ गई थी और हम क्या लेके आए हैं। तो आपको कैसी लगी मेरा एक्वेरियम तो ज़रूर बताना। तो अब आगे आए वीडियो का एंड करने का टाइम, तो मिलूँगी आपको अपने नए मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसी आशा के साथ कि आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में। बाय।